इधर बस बस चल किन मामलों के लेकर के आज आप धरना पे बैठे हैं इसके बारे में आप बताइए। ऐसा है सर, हम प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव झारखंड बिजली कर्मचारी संघ के हैं और हमारे कमेटी के द्वारा एक नीति गठित किया गया है जिसके तहत विभाग द्वारा हम लोग को पहले 8 से 10 हजार रुपये में काम कराया जा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में वो एक ऐसा SEY मोड का प्रारूप लेके आई है जिसके तहत हम लोग सभी बेघर हो जाएंगे सर। इसमें 100 से 150 EI करने वाले ही जीवित रह सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं जीवित रह सकता है। हमारे पूरे झारखंड में 1010 केंद्र हैं, जिसमें 100 से 150 EI करने वाले सिर्फ 173 सेंटर हैं, यानी 837 सेंटर हम लोग बेघर हो जाएंगे सर, बेरोजगार हो जाएंगे। और अभी जो हम लोग 1010 मतलब पूरे राज्य में 2400 जिला में कार्य करते हैं, वो 50,000 किसानों के बीच EI का काम करते हैं और प्रत्येक माह करते हैं। सरकार की सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य भी हमारे द्वारा किया जा रहा है सर, और 10 से 12 साल कार्य करने के बावजूद आज संस्था हम लोग के पास ये लेके आई है बुढ़ापा होने के बाद कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वेतन पाइएगा। तो आप हमें बताइए कि अब उम्र बढ़ने के बाद हमारा कैपेसिटी कम होगा कि बढ़ेगा सर, इस पे जल्द से जल्द हमें न्याय मिला जाए। पहले की स्थिति क्या थी और अभी वर्तमान में क्या ऐसा हुआ है सरकार के द्वारा जो कि आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले की स्थिति थी कि सर 8 से 10 हजार मिल जाता था, किसी तरह हम लोग घर का गुजर बसर कर सकते थे, लेकिन अभी गव विकास निदेशालय के अंतर्गत जो काम कर रही संस्था वो बोल रही है कि हमें फंड नहीं मिल रहा है, जिसके तहत हम लोग ये SEY मोड का प्रारूप लेके आए हैं, इसी के अंतर्गत आपको कार्य करना होगा। आगे आप लोग की जो अगर आप सरकार अगर मान लिया इस प्रकार की मांगे नहीं मानती है तो आगे आप लोग का क्या आंदोलन होगा इसके बारे में बताइए सर। 5 तारीख तक यदि सरकार का कोई पहल हमारे विपक्ष पक्ष में नहीं आता है तो 5 तारीख के बाद हम लोग पूरे झारखंड वासी 1010 केंद्र प्रभारी सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।